अदा के बारे में। ना हाजिर करता हूँ रसूले पाक की घर घर अदा के बारे में, रसूले पाक की घर घर अदा के बारे में, रसूले पाक की हर घर अदा के बारे में, सब उनकी सना के बारे में लगे है, सब उनकी सना के बारे में। एक शेर सुनाता हूँ सुने, किसी घटा किसी खुशबू से पूछ लेना तुम, माहौल नहीं बन रहा है, आप बोल नहीं रहे, थोड़ा सा बेदारी के साथ बोले ताकि मेरा मूड बने पढ़ने का, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। किसी घटा किसी खुशबू से पूछ लेना तुम, किसी घटा किसी खुशबू से पूछ लेना तुम, मेरे हुजूर की जुल्फे तोता के बारे में, मेरे की जुल्फे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत तोता के बारे में, मिलकर पढ़े लगे हुए हैं सब बारे में। हसन भाई एक शेर पढ़ता हूँ, कल जब मैंने इस शेर को पढ़ा तो मैं वो मंजर मैं बयान नहीं कर सकता अपनी जबान में, उलमा किस तरह से मचल रहे थे, खड़े होकर के सब मेरे को दाद दे रहे थे और बहुत नवाज रहे थे, और तीन या चार बार गालिबन पढ़वाया था ये शेर मुझे, वो शेर मैं आपके सामने रखता हूँ और देखना चाहूंगा कि यहाँ शायरी सुनने वाले लोग बैठे हैं कि नहीं। सुनिएगा, इसी सवाल में जन्नत है और दोज़ख भी, सुनकर के बताएं शेर शायरी, अगर सुनते हैं तो इंशाल्लाह एक एक शख्स बोलेगा इस शेर को सुनकर। इसी सवाल में जन्नत है और दोज़ख भी, इसी सवाल में जन्नत है और दोज़ख भी, अकीदा क्या था तेरा मुस्तफा के बारे में, अकीदा शेर पर मजमे से कम से कम एक नारा तो बुलंद होना चाहिए था, एक नारा तो बुलंद होना चाहिए था इस शेर पर, है कोई दीवाना खड़ा हो जाए जरा। अल्लाह इतना बड़ा मजमा है, नारा याद नहीं किसी को है, खैर आपकी मर्जी, मुझे पता है नारा सबको याद होगा, दो चार एक दो मिसरे एक दो लफ्ज, लेकिन क्या है ना मुसलमानों के जज्बात बेदार नहीं है, मुसलमानों यही वक्त है अपने जज्बे को बेदार करने करता हूँ। लगे हुए गए सब उनके सना के बारे में, इसी सवाल में जन्नत है और दो जख्मी, अकीदा क्या था तेरा मुस्तफा के बारे में। अकीदा क्या था तेरा मुस्तफा के बारे में, अकीदा क्या। और एक शेर सुने, अली से पूछिए क्या है नबी के तीनों यार, सुने शेर, अली से
पूछिए क्या गए नबी के तीनों यार, अली से पूछिए क्या गए नबी के तीनों यार, और उनसे पूछिए और उनसे पूछ अली और उनसे पूछ और उनसे पूछ अली मुर्तजा के बारे में और उनसे पूछ अली मुर्तजा के बारे। देखिए अच्छा शेर सुनने से शेरी ईमान ताजा हो जाता है और आपको मालूम होना चाहिए कि जहाँ पे गुलाब का पौधा उगता है वहां की मिट्टी से भी खुशबू आने लगती है, है कि नहीं? तो आप लोग तो खुशबू है मेरे भाई, तो खुशबू का आप इस्तकबाल तो कीजिए। जितने लोग बैठे हैं जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर शेर की तरह से आवाज आपकी निकले और मेरी आवाज से आवाज मिलाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह आले रसूल तशरीफ ला रहे हैं, औलाद गौसे आजम तशरीफ ला रहे हैं, खतीबी यूरोप ओशिया तशरीफ ला रहे हैं।